हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग को क्या दिखाने वाली हूँ, हेयर कट दिखाने वाली हूँ और एक हेयर सीरम बताने वाली हूँ जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपका डैंड्रफ, आपका हेयर फॉल, आपके बालों का रूड जैसे ड्राई फ्रीजीनेस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इस हेयर सीरम के बाद। और हेयर कट मैंने किया है अपनी मदर इन लॉ का, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये वाला हेयर सीरम बहुत ही इफेक्टिव है जो अभी तक मैंने सिर्फ बता के बताया हुआ है, बट इसमें मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी, बना के भी दिखाऊंगी किस तरीके से आपको यूज करना है। और थोड़ा सा भी प्रोडक्ट इसमें आपका वेस्ट नहीं होने वाला, सब कुछ यूज हो जाएगा। इसको यूज करने के बाद से आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा एंड आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और आपका बालों में बहुत अजीब सी साइन दिखेगी जो कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और हेयर कट अपनी मदर इन लॉ का करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्ट्रेट हेयर कट है और किस तरीके से किया है सब कुछ, स्ट्रेट हेयर कट का भी डिफरेंट डिफरेंट तरीका मैं अपने चैनल पे बताते रहती हूँ। तो इस वाले हेयर कट में कुछ डिफरेंट है, जैसे कि अक्सर हम लोग इस तरीके से स्ट्रेट हेयर कट करते हैं तो जैसे कट करते करते थोड़ी सी इस तरीके से हो जाती है या फिर इस तरीके से हो जाती है, लेकिन मैं बताऊँगी स्ट्रेट हेयर कट का परफेक्ट तरीका जिससे आपका स्ट्रेट हेयर कट बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, इधर से भी एकदम इक्वल रहेगा, बीच से भी एकदम इक्वल रहेगा, इस तरीके से करके बताया हुआ है। तो और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे उस पर आप लोग को मेरी ब्लॉगिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। जिसको भी मेरा ब्लॉग वीडियो देखना हो, मेरा ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ उस चैनल पर जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पर भी जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे से उस चैनल को चैनल में जो वीडियोज़ बनाती हूँ उसको अच्छे से बना पाऊँ और आप लोग को देखने में और ज़्यादा अच्छा लगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। लाइक आप अभी से कर दीजिए क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही यूजफुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं हेयर कट से पहले आप लोगों को एक हेयर सीरम बताती हूँ जो कि आपके बालों को बहुत घना कर देगा और झड़ने से रोकेगा, एंड जो भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी, फंगल इन्फेक्शन वगैरह होगा हेयर में, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे और डैंड्रफ भी रिमूव हो जाएगा। तो चलिए, उसके लिए आपको लेना क्या है, यहाँ पे आपने देखा मैंने प्याज लिया है, लहसुन की 4-5 कलियाँ ली हैं, 2 चम्मच मेथी दाना लिया है, उसमें मैं इतना पानी ऐड कर ले रही हूँ। इसको मैं धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। देखो मैं यहाँ पे पूरा धीमा कर दे रही हूँ, इंडक्शन का जो इंडक्शन का जो है उसको पूरा धीमा करके 100 पे करके मैंने छोड़ दिया है। 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ेंगे और इसको उबलने देंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो इसका कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जैसे मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके का ये कलर हो जाएगा इसका। इसके बाद आप इसको छान लोगे, छान के इसको ठंडा होने दोगे। आप गैस को बंद कर दो, अगर आप गैस पे उबाल दो तो, इंडक्शन पे उबाल दो तो इंडक्शन को बंद कर दो। हो गल देखिए, लाल हो गल जब पूरा। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ये हेयर के डैंड्रफ को जड़ से ख़त्म करने में इफेक्टिव है, क्योंकि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली थी फिर भी रिमूव नहीं हो रही थी, बट इससे एक बार में ही 80% तक ख़त्म हो जाएगा। 2 बार में आपको आपका पूरा डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा, बाल भी झड़ते होंगे तो वो भी रुक जाएगा। फिर मैं इसको ऐसे छान ले रही हूँ और ये जो मटेरियल बचा हुआ है, जैसे कि ये जो मैं छानने के बाद से मेथी दाना, प्याज और लहसुन बची है, इसको भी फेंकना नहीं है, इसको आप यूज कर सकते हो। इसके लिए आप इसको मिक्सर में पीस लो। पीस के पहले मैं पानी को दिखा देती हूँ। ये देखिए, पानी मैंने यहाँ पे इसका छान लिया है और इसको ये इस कलर का हो जाएगा। इसको आप बॉटल में भर के रख सकते हो 10 से 15 दिन के लिए। और बची हुई पीस को मैंने पीस लिया है, ऐसा हो जाएगा। इसको मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी, अपने बालों में, जड़ों में अच्छे से इस तरीके से लगा लूँगी और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद से शैम्पू से वॉश कर लेना है आपको। फर्स्ट यूज़ में ही आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, सॉफ्ट स्मूथ एंड डैंड्रफ फ्री हो जाते हैं, एंड आपके बालों का झड़ना भी रुकता है और बालों की रिपोर्ट भी होती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं अपनी मम्मी का, मदर इन लॉ का हेयर कट करने वाली हूँ, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए हेयर कट स्टार्ट करते हैं।
तो आप ये देख सकते हो, ये है मेरी मदर इन लॉ, इनका हेयर कट करना है। ताना तो पहले मैं कटिंग सीट लगा देती हूँ। ये सारे हेयर कट बहुत पहले के हैं जो कि मैंने अपलोड नहीं किए थे। बहुत सारे हेयर कट एक साथ नहीं आ जाते हैं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, वीडियो पड़े थे तो मैंने सोचा अब इसको अपलोड कर दिया जाए। जैसे मैं पहले बोल भी रही थी आप लोगों को कि हेयर कट कर किए हुए हैं अपलोड करना है, तो आप लोग बोल रहे थे हेयर कट अपलोड नहीं कर रही हैं, तो अब मैं धीरे धीरे सारे हेयर कट अपलोड कर रही हूँ। आपको काफ़ी टाइम से दिखेगा मेरे चैनल पर कि मैं ज़्यादातर हेयर कट की ही वीडियोज अपलोड कर रही हूँ। तो मैं पहले बालों को गीला कर रही हूँ। इस टाइप का हेयर है इनका, थोड़ा थोड़ा बेबी हेयर है, कर्ली है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट है। इस टाइप के हेयर में, हेयर कट में आपको कैसे कट करना है वो आप देख लो। आप चाहो तो मल्टी स्टेप एडवांस स्टेप कर सकते हो, बट मम्मी तो मम्मी होती हैं, ज़्यादा कट मत करना, सीधा कट कर दो बस। तो सीधा कट कर रहा किया है मैंने यहाँ पे। पहले मैंने बीच की मांग निकाल ली है, फिर अच्छे से इसको काम कर लूँगी और सिर को हल्का सा नीचे झुकवा देंगे। ऐसे बालों में आप एडवांस लेयर वगैरह भी कट करते हो तो बहुत प्यारा लुक आता है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कॉम कर लिया है और अभी कट करेंगे बालों को। तो यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे। सिंपल सा स्ट्रेट हेयर कट किया है मैंने इनका। ये ज़्यादातर स्ट्रेट हेयर कट ही कराती हैं, कभी कुछ ट्राई नहीं किया है और ना ही करना चाहती हैं। चाची जी का कट करती हूँ तो मैं अलग अलग स्टाइल्स के कट करते रहती हूँ, तो उसकी वीडियोज भी मैंने काफ़ी अपलोड की हुई है, हल्के पतले बालों में हरी हेयर कटिंग। तो साइड से मैंने थोड़ा सा कट किया, फिर दूसरी साइड से एक लेयर लिया, एकदम बीच में ला के सेंटर में ला के उसको भी कट कर दिया। फिर इससे हमको गाइडलाइन मिल जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक ही हम लोग को कट करनी है। अब इसके बीच का सारा हेयर सिंपल आप कट कर सकते हो, इससे आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, एकदम परफेक्ट हेयर कट आएगा, स्ट्रेट हेयर कट। सिंपली जो आपने गाइडलाइन ली है उसके अकॉर्डिंग सारे हेयर को कट करते जाओ। और इस तरीके से कट करोगे तो थोड़ा भी तिरछा नहीं होगा, और आप डायरेक्ट स्ट्रेट कट करोगे तो हो सकता है एक साइड का छोटा एक साइड का बड़ा रह जाए। इसके बाद फिर इस तरीके से कॉम में लेके हेयर को चेक कर लो, कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं रह रहा है। तो पूरा हेयर कट अच्छे से हो चुका है, कहीं से मुझे ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं लगा है। तो मैं एक बार और चेक कर ले रही हूँ, तो ये परफेक्ट है, कहीं से कट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगे थोड़ा बहुत तो आप कट कर सकते हो। ओके, तो हेयर कट तो ये कंप्लीट हो गई। इंडियन यूट्यूबर प्रीति वाले चैनल पे भी ज़रूर जाएगा, ये इनका फाइनल लुक है। और ये हेयर जो फ्लोर पे गिरे हैं, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेयर सीरम और हेयर कट दोनों पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आप लोग गए इंडियन यूट्यूबर प्रीति वाई चैनल पे जरूर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।